हाँ तो गाइज अरविंद अरोड़ा स्टूडेंट स्कॉलरशिप के कुछ नए रूल्स लागू किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, और जिन लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर जिनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली वो कैसे फिर से अप्लाई करें, उनके लिए क्या रूल्स हैं, तो दोस्तों मेरा नाम है हासिन और हमेशा की तरह टेक्निकल वाइप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में घंटे के आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। हाँ तो गाइज मान लीजिए अभी यहाँ पे 10 बच्चे के लिए फॉर्म आया हूँ, वहाँ पे अगर आप 100 बच्चे अप्लाई कर देते हैं, 100 स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे आपको 10 ही स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलेगी। ऐसे में दोस्तों आपको नहीं मिलता, ऐसे में आपको क्या अप्लाई करना, कुछ इसके लिए नए रूल्स लागू हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से हर एक रूल समझ में आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो स्कॉलरशिप के तहत जो नया रूल्स लागू किए गए उसमें सबसे पहला रूल्स ये है दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एक ही गूगल फॉर्म को आप कई बार वहाँ पे फिल करते हैं, कई बार अपने गूगल फॉर्म को भरते हैं, तो ऐसे में दोस्तों एक से ज्यादा बार आप जब गूगल फॉर्म भरते हैं तो वहां पे उस फॉर्म जो अरविंद अरोड़ा टीम है स्वीकार नहीं करती है। तो ध्यान रहे दोस्तों आपको फॉर्म सिर्फ एक ही बार भरना है। तो दोस्तों यहां पे जो लेटेस्ट अपडेट आए हैं उसमें दोस्तों आपको अगली बार से फ्राइडे को फॉर्म मिलेगा सिर्फ दोस्तों आपको एक ही दिन के लिए, वो भी शुक्रवार को फॉर्म आपको मिलेगा सिर्फ आपको शुक्रवार को, सिर्फ आपको एक बार ही फॉर्म भर सकते जो। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्म फिल कर देते हैं जो स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा सक्षम है दोस्तों, उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। ऐसे में दोस्तों अब स्टेट वाइज यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे, आपको वेडनेसडे यानी बुधवार को आपको बता दिया जाएगा किस स्टेट का फॉर्म आ गया है गूगल फॉर्म के। जो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी उसी वीडियो में आपको सारे फॉर्म की लिंक वहाँ पर मिलेगी। हर वेडनेसडे यानी बुधवार को आपको उस स्टेट का नाम अनाउंस कर दिया जाएगा किस स्टेट के बच्चे वहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों उसी स्टेट के बच्चे वहाँ पे सिर्फ एक ही बार फॉर्म भरेंगे, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी दोस्तों एक से दो बार तीन बार अगर फॉर्म भरते हैं तो उनका फॉर्म वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो गाइज हर स्टेट का, हर राज्य का हर बुधवार को वहाँ पे अनाउंस किया जाएगा किस स्टेट के बच्चे वहाँ पे फॉर्म भर सकेंगे। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि मैंने स्कॉलरशिप अभी तक क्यों नहीं पाए। दोस्तों फिर से आप ट्राई करिएगा, जब आपके स्टेट का नंबर आएगा, कुछ नए रूल्स लागू हैं जो मैंने आपको बताया। फिर मिलता हूँ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।